To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में फ्लेक्सिबल प्राइसेस के साथ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देख लिया, आज उसी का एक कम्बाइन एक मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। अब देखें ज़रा आउटपुट प्राइस लेवल, हम देख चुके थे कि ये हमारे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व था, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। और फिर हमने देखा था कि ये हमारे पास है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, ये दोनों सप्लाई हैं, इकोनॉमी इससे इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगी, इसकी इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए हमें ज़रूरत है किसकी, डिमांड की। तो अब हम बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड, और अगर एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर जाए, करती हुई गुजर जाए, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है, और कौन से इक्विलिब्रियम पर है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पर है, यानी फुल एडजस्टेड इकोनॉमी है, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब फ्लक्चुएशंस को देखते हैं कि फ्लक्चुएशन कैसे नजर आएगी और इकोनॉमी कैसे खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। देखें फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमने एग्रीगेट डिमांड की शिफ्टिंग के फैक्टर्स देखे थे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड हमने देखा था कि लेक्चर में कि राइट पर शिफ्ट हो गया था। इस तरह एज्यूम कर लें एग्रीगेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गए, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पर शिफ्ट आ गया। अच्छा, मैं यहाँ लिखता जाऊँगा ताकि साइकिल क्लियर रहे कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गई। अच्छा, अल्टीमेट जो पहले हमें प्राइस लेवल नज़र आ रहा था, ये हमारे पास एक इनिशियल प्राइस लेवल था और ये आउटपुट था। जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज कर गई तो अब नया इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जहाँ ये दोनों बराबर हैं, तो प्राइस लेवल ये नज़र आ रहा है आपके पास, P1 से क्या हो गया, P2 हो गया, यानी एग्रीगेट डिमांड कम हुई जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, प्राइस कम हो गई। अब जब प्राइस कम हो गई तो वो उतना ही आउटपुट तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यही वो प्राइस थी जहां पर प्रोड्यूसर इतना प्रोड्यूस कर सेल करने के लिए तैयार है। लेकिन जब मार्केट में प्राइस लेवल कम हो गई तो प्राइस लेवल के कम होने की वजह से बोलेगा अब मैं इतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करूंगा, जब मैं इतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो हमारे पास नया जो आउटपुट लेवल आया वो कुछ ये रहा। ये हमारे पास नया आउटपुट लेवल आ गया, जैसे अगर हम इसको कह दें Y1 तो इसको कह दें Y2। अब ये असल में गैप आ गया, पोटेंशियल से कम हो गया, गैप आ गया। जब भी आउटपुट पोटेंशियल से कम प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब इकोनॉमी में क्या नज़र आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही है, प्रोडक्शन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। हमने शुरू में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लासिकल्स का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वेज प्राइस बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, मार्केट किसी भी तरह की, चाहे लेबर मार्केट हो या गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट हो, मार्केट में एक इनविजिबल हैंड काम करता है जो मार्केट मैकेनिज्म की तरह वर्क करके प्राइसेस को एडजस्ट कर देता है और मार्केट इक्विलिब्रियम पर आ जाती है। और उसके बाद फिर केन्स ने आके इस आर्गुमेंट को दिया कि वेजेस और प्राइसेस इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो स्टिकी होती हैं, फौरन चेंज नहीं होते। तो जब फौरन चेंज नहीं होते, इसी वजह से केन्स कहता है कि ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट नज़र ही इसलिए आ रही है कि वो प्राइसेस को फौरन एडजस्ट नहीं कर रहे। हाँ, कुछ टाइम गुजरने के बाद, कुछ जो इस अभी तो वेजेस स्टिकी हैं, वेजेस इतनी आराम से कम नहीं होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट फौरन कवर हो जाए, कुछ अरसे के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जब वेजेस कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब उनको अनएम्प्लॉयड रहते हुए काफ़ी टाइम हो जाएगा तो वेजेस स्टिकी नहीं रहेंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। तो जब वेजेस कम होना शुरू हो जाएंगे तो जब लेबर सस्ती हो जाएगी तो प्रोड्यूसर डिमांड करेगा, जब प्रोड्यूसर डिमांड करेगा तो जो सप्लाई कर्व है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और वो कौन सा सप्लाई इजाफा होना शुरू, सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और सप्लाई उस वक्त तक राइटवर्ड शिफ्ट रहेगा जब तक हम यहां ना पहुंचे, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ये यहाँ पर। अब आपके पास नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये है, ये आपके पास नया प्राइस लेवल है प्राइस 3। तो आप देखें मूवमेंट देखें, पहले एक इकॉनमी यहाँ थी, इकॉनमी मूव करते करते यहाँ पर आ गई,
डिमांड की मूवमेंट की वजह से। फिर उसके बाद वेजेस स्टिकी नहीं रहे, वेजेस चेंज हुए, वेजेस कम हुए, लेबर की सप्लाई मार्केट में अच्छी हो गई, प्रोड्यूसर ने उनकी डिमांड बढ़ाई जिसकी वजह से सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो इकॉनमी यहाँ से यहाँ और फिर वापस से एडजस्ट होकर कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, क्योंकि ये लॉन्ग रन के ऊपर हैं, ये तो लॉन्ग रन हुए, अब ये चेंज नहीं होंगे, शॉक आएगा लेकिन इकोनॉमी की मूवमेंट इसी तरफ होगी। और जबकि ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, ये आपके पास जो पॉइंट सी कह दूँ, तो ये आपके पास है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। सी है आपके पास क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। और आपके पास ए और बी जो हैं, ये आपके पास हैं क्या, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो ये तो थी आपके पास फ्लक्चुएशंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, कि कैसे इकॉनमी लॉन्ग रन से अगर कोई शॉक आता है तो इकॉनमी लॉन्ग रन से मूव करके शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पर आ जाती है, और फिर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में कोई फिनोमेना जो काम करता है उसकी वजह से वापस इकॉनमी एडजस्ट होकर काम पहुँच जाती है लॉन्ग रन पर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।